अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। यूपी में नाग के मरते ही 3 घंटे बाद नागिन ने जो किया देखकर वहां मौजूद सभी लोग कांपने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों नाग नागिन का एक दूसरे के लिए बदला लेना फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा। नागिन अपने मरे नाग की आंखों में देखकर ही ये पता लगा लेती है कि उसके प्यार को उससे जुदा करने वाला आखिर कौन है, और फिर शुरू होती है नागिन के बदले की कहानी। एक ऐसी ही सच्ची दास्तां आज हम लेकर आए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों यूपी के औरंगाबाद गांव में अनोखी घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक परिवार ने नाग की हत्या कर दी, परंतु उसकी नागिन को भूल गए, और फिर जो नागिन ने पूरे परिवार के साथ किया हर कोई देखकर दंग रह गया। बीते सोमवार को औरंगाबाद गांव में रहने वाले एक परिवार के घर पर नाग नागिन का जोड़ा घुस गया। परिवार का मुखिया यानी दीवान और बाकी घर वाले भी लाठियां लेकर दोनों को मारने दौड़ पड़े। नागिन तो किसी तरह जान बचाकर कहीं छिप गई, परंतु नाग को परिवार वालों ने मिलकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद सभी ने ये सोच लिया कि नागिन बाहर निकल गई होगी, इसीलिए किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। नाग को मारकर पूरा परिवार चैन से सोने लगा, लेकिन इसके ठीक 3 घंटे बाद वो अनहोनी हो गई जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना ही होगा या फिर किसी फिल्म में ही देखा होगा। दोस्तों दीवान के घर वालों के मुताबिक उन्हें पता ही नहीं था कि नाग को जिस वक्त मारा जा रहा था उस वक्त नागिन घर में ही कहीं छिपी बैठी थी। उन्होंने बताया कि जब दीवान का 13 साल का बेटा मुकेश रात में अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी नागिन ने आकर उसे डस लिया। जब मुकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा तब उसके परिवार वाले उसके पास पहुँचे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो नागिन वहाँ से जा चुकी थी। मुकेश बेहोश होने लगा था। नागिन के डसने के बाद घर वाले मुकेश को तुरंत झाड़ फूक कराने वाले प्रसिद्ध सपेरे के पास ले गए। तब तक मुकेश की हालत और बिगड़ने लगी और उस सपेरे ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद मुकेश को डॉक्टर के पास ले जाया गया, परंतु डॉक्टर ने देखकर ही कह दिया कि उसे बचाया नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद ही मुकेश की मौत हो गई। दीवान के मुताबिक नागिन ने उसके बेटे को मारकर नाग की मौत का बदला ले लिया था। दीवान के घर वालों ने तो केवल कहावत ही सुनी थी कि नाग की मौत का बदला नागिन जरूर लेती है, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनके परिवार के लिए ये कहावत एकदम सच साबित हो जाएगी। बेटे की मौत के बाद बाकी परिवार के सदस्य भी दहशत में आ गए। एक तरफ बेटे के मरने का गम घर वालों के आंखों से आंसू बनकर बह रहा था, तो वहीं नागिन के इंतकाम के डर से सबकी नींद भी गायब हो चुकी थी। ऐसे में परिवार वालों ने गांव वालों की मदद के साथ काफी मशक्कत करने के बाद नागिन को खोज ही निकाला और उसे भी मार डाला, और एक सपेरे के कहने पर विधि विधान से उस नागिन का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों इस तरह नागिन ने अपने नाग की मौत का बदला तो ले लिया, परंतु कभी संभवतः आपके घर में भी अचानक नाग नागिन का जोड़ा आए या आपको रास्ते में कहीं ये दिख जाए तो कृपया जरूर आप स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला लेना, परंतु किसी भी जीव जंतु को बगैर कारण के ना मारे। हाँ अगर आपको खतरे का आभास होने पर मजबूरन हिंसक कदम उठाना पड़े तो वो एक अलग बात है, लेकिन अकारण जीव जंतु को मारना आपको भारी संकट का भागीदार बना सकता है। दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।